दोस्तों यह है महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित बड़ा ही मशहूर यवतमाल जिला, जो महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है। यवतमाल जिला कपास उत्पादन के मामले में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरे महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा कपास उत्पादन यवतमाल जिला में होता है। इसके अलावा यवतमाल में चूना, कोयला, डोलोमाइट आदि के कई खदानें भी मौजूद है, जो जिले के विकास की राह पर अग्रसर कर रहे हैं। आज वर्तमान समय में यवतमाल जिला नांदेड़, अमरावती, वर्धा, हिंगौली, चंद्रपुर और तेलंगाना राज्य से अपनी सीमाएं साझा करता है। 13,582 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला यवतमाल जिला की टोटल पॉपुलेशन 27,72,000 है। दोस्तों अगर इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में यह क्षेत्र बरार सल्तनत का हिस्सा था। बाद में यह क्षेत्र चालुक्य वंश, मौर्य वंश व देवगिरी के यादव वंश के अधीन गया। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिजली ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय यवतमाल को यवतमाल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन 15वीं शताब्दी में निजाम शासकों ने इसका नाम बदलकर यवतमाल कर दिया। आवागमन की बात करें तो यवतमाल जिला सड़क, रेल और वायु मार्ग के द्वारा पूरे भारत के साथ वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर मौजूद यवतमाल टर्मिनस यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसमें 2 प्लेटफॉर्म तथा 3 ट्रैक मौजूद है। इसके अलावा यहाँ का सबसे नजदीक में स्थित बड़ा रेलवे स्टेशन जलगांव जंक्शन व वर्धा जंक्शन है, जो यहाँ से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। वहीं सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग के द्वारा भी यवतमाल नागपुर, हैदराबाद, मुंबई से सीधे जुड़ा हुआ है। नागपुर हैदरा मुंबई एक्सप्रेस वे इस शहर के माध्यम से होकर गुजरती है। इसके अलावा संत गाडगे बाबा यवतमाल एयरपोर्ट यहाँ का मुख्य एयरपोर्ट है, जो यहाँ से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि व छोटे बड़े उद्योगों पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ की मुख्य फसल कपास है। इसी के साथ साथ सोयाबीन, तिलहन, अरहर यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जो यहाँ के लोगों की जीविका के लिए एक साधन है। आइए दोस्तों अब जानते हैं यवतमाल जिला में मौजूद कुछ खूबसूरत पर्यटक स्थलों के बारे में। नंबर 1 पर है सहस्त्रकुंड झरना। सहस्त्रकुंड झरना मराठवाड़ा और विदर्भ की सीमा पर स्थित है। झरने का निचला हिस्सा उमरखेड़गा तालुका में पड़ता है, जबकि आगे का हिस्सा नांदेड़ जिला में पड़ता है। यह झरना उमरखेड़गा से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानसून के दौरान यह झरना पर्यटकों से खचाखच भर जाता है। 30 से 40 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना और गिरती हुई झरने की आवाजें पर्यटकों को काफी ज्यादा मनमोहित करती है। दोस्तों अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो कभी मौका मिले तो एक बार सहस्त्रकुंड झरना जाना ना भूलिएगा। नंबर 2 पर है टिपेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। टिपेश्वर वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के बॉर्डर पर पदारकाडवाड़ा तहसील में स्थित है। यह लगभग 140 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। टिपेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में लगभग कई बड़े बड़े ऊंची ऊंचे वृक्ष मौजूद है। आसपास के स्थानीय लोग इस अभयारण्य की लकड़ियों पर निर्भर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व घाटियों से सुजजित टिपेश्वर अभयारण्य में कई जंगली जीव भी रहते हैं, जैसे बाघ, सांभर, मृग, भालू आदि। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन आदिलाबाद रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिला के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल टुडे। कीप स्माइल एंड कीप ग्रोइंग।